सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, यानी कि सावित्रीबाई फुले जयंती और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती दिवस पर इस समय ये जो रैली आप देख रहे हैं, ये रैली निकली है उनके सम्मान में। ये रैली आज भारतीय महिला दिवस मना रही है और भारतीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में जुड़े इन सारी बहनों से, महिलाओं से, लड़कियों से ये बातचीत करेंगे। आज सावित्रीबाई फुले का ये जयंती दिवस, जिस दिवस पर आप भारतीय महिला दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं, क्या संदेश है? ये संदेश यही है कि 3 जनवरी यह दिन भारतीय महिला दिवस के रूप में ही मनाया जाना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया है नारी का, एक तो उन्होंने नेतृत्व किया है और दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने नारियों को सबल बनाया है। आज जो कुछ भी हम नारियां दिख रही है, आज जो भी वर्तमान में है, वो सब उन्हीं की बदौलत है और इसीलिए हम सावित्रीबाई फुले के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करने के लिए हम मैदान में हैं और आज उनका जन्मदिन जो है वो भारतीय महिला दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इस दिवस पर ऐसा वो क्या विशेष होना चाहिए, क्योंकि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनका पूरा जीवन जो है वो जीवन शिक्षा के लिए समर्पित रहा, संस्कृति के लिए समर्पित रहा, उन्होंने खास तौर पर महिलाओं को आधार देने की कोशिश की जहां वो निराधार बन जाती है और उन्हें सशक्तिकरण का एक नई राह भी दिखाई। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में जब हम क्रांति ज्योति को याद करते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए सर, उस जमाने में आप सोच सकते हैं 1831 में उनका जन्मदिन और उन्होंने जो कार्य किया, उस समय की जो प्रस्तापित व्यवस्था थी, उस प्रस्तापित व्यवस्था को देखते हुए नारी का शिक्षा, नारी को शिक्षा प्राप्त करना, ये तो बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल काम थी। वैसे 1810 में ऑलरेडी बंगाल में मिशनरी लोगों ने महिलाओं के लिए स्कूल चालू किया था, लेकिन भारत में और वो भी भारत के महाराष्ट्र में और पुणे में पहली दिन पहली महिला जो अध्यापिका बनी और जिन्होंने पहला स्कूल चालू किया लड़कियों का, वो 1 जनवरी 1848 को, 1 जनवरी 1848 को। उसके बाद में स्कूल की संख्या बढ़ती चली गई। अच्छा, केवल उन्होंने केवल कुछ कमजोर लोगों के लिए काम किया, ऐसा नहीं, उन्होंने पूरे भारतीय जनता के लिए कार्य किया। जैसे हम देखते हैं कि उन्होंने सूतिका गृह भी चलाया, उन्होंने अनाथाश्रम भी चलाया, उन्होंने एक देखिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी चलाया और वो जो काशीबाई का बेटा था उसको गोद में लिया और यशवंत को बड़ा डॉक्टर बनाया। एक प्रकार के एक महिला जो है, भारतीय महिला किस प्रकार अपनी संस्कृति का रोपण कर सकती है अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए, वो पूरी पूरी शिक्षा सावित्रीबाई फुले ने एक मॉडल के रूप में हमें दी है और इसीलिए हम चाहते हैं कि उनका आज का जो जन्मदिन है वो भारतीय महिला दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। दरअसल ये भारतीय महिला दिवस को इस रूप में मनाने के लिए क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के जयंती दिवस को ये सद्धर्म समर्पिता संघ की ये वो बहने हैं जो इस वक्त रैली के साथ में निकली हुई है और इस संदेश के साथ निकली है कि इस दिवस को भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। दीदी, हम आपसे एक बात तो ये भी समझना चाहेंगे कि हम ऐसी खबरें जरूर पढ़ते हैं कि महिलाएं चुन कर तो आती हैं, कुर्सियों में बैठती तो हैं, लेकिन कुर्सियों में बैठने के बाद वो अधिकार नहीं होता उन्हें, खास तौर पर ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में ये चीजें देखने को मिलती है। आप इन चीजों को कैसा समझती है? हमें लगता है सर, जो भी प्रस्तापित व्यवस्था है वो संस्कृति अभी भी रोपित हो चुकी है और उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। महिलाएं चुनकर तो जरूर आती है, लेकिन अभी देखिए, अभी वर्तमान की बात देखिए, हम राष्ट्रीय महिला दिवस कौन से दिन मनाते हैं? 13 फरवरी को। वो पॉलिटिशियन के रूप में मनाते हैं, सरोजिनी अपने जो नायडू है उनके रूप में हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो हुआ यूं कि पॉलिटिशियन बन गए तो फिर सब कुछ सामाजिक परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं है। राजकीय परिवर्तन हो भी गया है, समान मूल्य वहां पर आ भी गई, लेकिन सामाजिक मूल्य जो है वो अभी भी विषमतावादी व्यवस्था के एक प्रकारे बटीक बोलिए या उस व्यवस्था में वो चलते रहते हैं और इस मूल्य को बदलने के लिए सामाजिक परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी है, ऐसा हमें लगता है। और सावित्रीबाई फुले ने वो काम किया, सामाजिक परिवर्तन का काम किया। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर आज सावित्रीबाई फुले को याद किया जाए तो किस रूप में याद करेंगे आप? एक भारतीय महिला दिवस के रूप में अच्छे से उत्सव मनाना चाहिए और एक भारतीय महिला
कैसे अपने अस्तित्व को सामने लाती है, उन्होंने ऐसे दिखा दिया सभी महिलाओं को, यानी भारतीय ही नहीं सभी वर्ल्ड जो है महिला उनको प्रेरित होकर उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए उनको। आज अगर सावित्रीबाई फुले की जयंती दिवस पर उनको अभिवादन करोगे तो किस रूप में करोगे? भारतीय महिला दिवस चिरायु हो, इस रूप में हम उनको प्रदर्शित करेंगे। और ये है क्योंकि देखिए 5 जनवरी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, हालांकि 5 जनवरी उसका बैकग्राउंड तो कुछ अलग होगा, आप भी जानते हैं, 5 सितंबर, मगर जो भारत में जो घटनाएं घटी है, भारत की जो उपलक्ष में अपन जानते हैं, तो प्रथम शिक्षिका बड़ी महान संघर्ष किया और दिया ज्ञान, तो हम इस रूप में भारत सावित्री माई को आगे लाना चाहते हैं। और एक बात और ये कहना चाहेंगे कि देखिए 5 सितंबर का बैकग्राउंड क्या है वो हम नहीं जानते, मगर ये सारे वर्ण, मगर 3 जनवरी इसलिए जानते हैं क्योंकि सारे वर्ण जाति धर्म रंग भेदभाव ना करते हुए उस समय वो उस विषम परिस्थिति में उन्होंने पहली बार ये साहस दिखाया और मरते दम तक उन्होंने संघर्ष किया, इसलिए भारतीय महिला दिवस के रूप में हम अपनी सावित्री माई फुले को लाना चाहते हैं। सावित्रीबाई फुले का जो संघर्ष रहा है वो चाहे फिर ज्योतिबा फुले का हो, सावित्रीबाई फुले का हो, सगुणा जी का हो, फातिमा शेख का हो, इन सब का संघर्ष ये शिक्षा के लिए समर्पित रहा। इस वक्त हम लोग देखते हैं कि शिक्षा पर बड़े चैलेंजेस हैं, आप भी महसूस करते होंगे कि परिवार में लड़की के साथ जो शिक्षा की व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था और लड़कों के साथ जो शिक्षा की व्यवस्था बनती है वो व्यवस्था, तो इन दोनों में आपको अंतर तो नजर आता होगा। आप क्या समझती है कि इस वक्त अगर सावित्रीबाई को याद किया जाए तो क्या संकल्प के साथ याद किया जाए? व्यवस्था तो बदली नहीं है, ठीक है, उस वक्त का जो स्वरूप है सिर्फ स्वरूप बदला है, ठीक है। आज भी हम लड़कियों को जैसे कि जिस तरह से लड़कों को पढ़ाई में हम प्रमोट करते हैं, चाहे इकोनॉमिकली पूरा हम जितना भी चाहिए वो लड़के को लगाने के लिए तैयार है, लेकिन लड़की को अगर पढ़ाने का जब हम सोचते हैं तो उसके लिए हमारा कुछ ना कुछ हम रोक के रखते हैं, मतलब उसके लिए दिल से हम उतना फीलिंग नहीं आता कि लड़की के लिए पढ़ाने के लिए हम उतने इच्छा से, उतनी तीव्र इच्छा से सामने आए जितना लड़के के लिए हम करना चाहते हैं। माँ के रूप में आप क्या सोचोगे? मैं यही सोचूंगी कि मैं अपनी बेटी को पूरी तरह से, मतलब जितना उसको शिक्षा के लिए पैसा लगेगा, जितना भी उसको मैं करना चाहूंगी उसके लिए पूरे दिल से करूंगी। मैं ऐसा कभी भेदभाव नहीं करना चाहूंगी कि मैं लड़का है तो उसके लिए मैं कुछ अलग से शिक्षा की व्यवस्था करूं या लड़की है उसके लिए कुछ अलग करूं, ऐसा नहीं। मैं वही जितना मैं अपना लड़के के लिए सोचूंगी उतना ही लड़की के लिए सोचूंगी। आपके जीवन में सावित्रीबाई फुले क्या प्रेरणा लेकर आती है? सावित्रीबाई फुले वाकई में मेरे जीवन में प्रेरणा लेके आई है, क्योंकि जब भी मैंने सुना पढ़ा उनका कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसी औरत, ये महान औरत होके गई, और ऐसा तो अभी अगर हम सोच भी नहीं सकते कि इतना संघर्ष, मतलब कीचड़ पत्थर सब कुछ उन्होंने झेला, फिर भी किसके लिए, तो हम महिलाओं के लिए, ऐसा सोचा जाए तो दूसरों के लिए, खुद के लिए तो कुछ नहीं था, तो वो सोच के वाकई में मुझे प्रेरणा मिली और मैंने ये सोचा कि नहीं मैं शायद उनके जैसा काम ना कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं करना ही चाहूंगी। इस समय नारी सशक्तिकरण ये नारा पूरी दुनिया में होता है, हाँ। और इस पर बड़े जोर से इसकी घोषणा भी दी जाती है, आप नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या समझते हैं? नारी सशक्तिकरण यानी उनमें स्वावलंबी बना होना, उसका देश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर निकलना, समाज कार्य में मदद करना, और सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनना कि नहीं हमारी माँ, हमारी एक बहन आज बाहर निकल सकती है और देश के लिए समाज कार्य कर सकती है और अपनी उन्नति कर सकती है, वो कहीं भी किसी भी इस पर अभी पीछे नहीं है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो अंतरिक्ष हो, हर कार्य में वो आगे रही है और उसने आपको अपने आप को खुद को साबित किया है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी पुरुषों को कंधा लगाकर उसके साथ चल सकते हैं, आज हम किसी भी इसमें पीछे नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा कहना है कि 3 जनवरी हम जो बालिका दिवस मनाते हैं या स्त्री मुक्ति दिन मनाते हैं, वो दिन आज हम भारतीय महिला दिन यानी नेशनल वुमन डे मनाना चाहिए, क्योंकि 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमन डे मनाते हैं, लेकिन भारत में जिन स्त्री ने हमको मुक्त किया है, जिन कर्मकांडों से उसने हमको मुक्त दिया है, स्वतंत्रता दी है, तो उस महिला के लिए हम आज वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे करके 3 जनवरी ये मनाएं, ये हमारी इच्छा है और सभी भारतीयों को अनुरोध है कि 3 जनवरी ये दिन नेशनल वुमन डे करके मनाएं। जब हम इस बहन से बात कर रहे हैं तो एक बात ये बार बार कहे जा रही है कि
स्त्रियां भी पुरुषों के कांधे से कांधा लगाकर आगे बढ़ती है। आप देखिएगा कि ये एक सी भागीदारी जो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की और पुरुषों की एक साथ आती है, और उसके साथ ये भी बात बन जाती है कि ज्योतिबा फुले ये क्रांति ज्योति सावित्री बाई को तैयार करते हैं, लेकिन दोनों मिलकर इस काम को आगे बढ़ाते हैं, और यही प्रेरणा आज सावित्री बाई फुले जयंती दिवस पर यहाँ से आती है। आप देख सकते हैं कि ये सारी युवतियां इस समय इस भारतीय महिला दिवस पर यहाँ हाथों में अपने तख्तियां लेकर चल रही है कि शिक्षा बेटी का हक, माँ सावित्री का था ये मत, प्रथम शिक्षिका मुख्याध्यापिका सावित्री माई क्यों रहे अनामिका, सावित्री माई के सम्मान में भारतीय महिला मैदान में राष्ट्र निर्माण किसकी जिम्मेदारी, बेटियों की भी है भागीदारी, वो शिक्षा नारी अधिकार, माँ सावित्री ने खोले सब द्वार, प्रथम शिक्षिका बड़ी महान, किया संघर्ष दिया ज्ञान, लाकर शिक्षा की वो क्रांति, माँ सावित्री ने तोड़ी भ्रांति, चाहा जिसने नारी शिक्षा पद खुले, वो थी माँ सावित्री बाई फुले। आज अगर सावित्री बाई फुले का ये जो जयंती दिवस है इसे आप भारतीय महिला दिवस के रूप में मना रहे हैं और इस रैली में आप शामिल हैं, आपकी ओर से क्या संदेश होगा? सब लोगों को पढ़ना चाहिए, सावित्री बाई ने बताया है कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और एज अ वुमेन हम लोगों की ये उन्होंने बताया है कि सब लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी प्रत्येक क्षेत्र में महिला है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप क्या कहोगे? जैसे कि आजकल अभी सभी औरतें मर्दों के कंधों के मतलब कंधों से कंधा मिला के चलती है, तो मुझे यही लगता है कि हर एक लड़की ने शिक्षा के लिए मतलब स्टैंड लेना चाहिए और कुछ ना कुछ तो भी अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। आज के शुभ अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सावित्री बाई ने दिला शिक्षणाचा मान, सावित्री च्या लेखी आहोत आम्ही, असा आहे आम्हाला अभिमान। चलिए बहुत बढ़िया, अभी यहाँ से ये रैली निकल चुकी है। नागपुर में जो राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का जो प्रांगण है उसके सामने वाले रोड से ये रैली चल रही है, गुजर रही है, और ये पूरे शहर का भ्रमण करेगी नागपुर का, और उसके बाद ये रैली पहुंचेगी, एक सभा में परिवर्तित होगी।